वो वहां पे मरते रहे, सिख परिवार की बच्चियों को बीच में से उठा के लेकर निकाह करने पे मजबूर कर दिया। क्या क्या नहीं घटा उनके ऊपर। और ये कहते हैं कि सीए के कानून को लागू ना करो। अरे जो 75 साल तक कांग्रेस नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी जी में ही ताकत थी कि उन पड़ोसी मुल्कों में रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, अगर उनके किसी परिवार के साथ प्रताड़ना की जाती है, उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो उसको नागरिक देने का काम भारत सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। अरे नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं है। अफगानिस्तान में जब गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ और जब तालिबान का वहां पर राज आया, मोदी जी ने 3 बार स्पेशल जहाज दे दिया, तब जाके गुरु ग्रंथ साहब लेकर आए, हजारों सिख परिवारों को लेकर आए। आज वो दलित परिवार जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे कब उनको नागरिकता मिलेगी, क्या ओबीसी दलित के इस देश में जो पाकिस्तान से आए, क्या उनको अपना हक नहीं है? उनकी 2-3 दिन पीढ़ियां बीत गई, यहां पर उनको नागरिकता ना मिले? क्या चाहते हैं आप? भाई और बहनों, मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, आज आप उस दल में आए हैं जिसने 2014 में कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 10 साल के बाद आज मैं उनकी सरकार का मंत्री आपके सामने खड़ा होकर कहता हूं, 75 साल में एक ऐसी सरकार मोदी ने दी है जिसके ऊपर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा पाया है, नरेंद्र मोदी की सरकार।